कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, यानी बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी बोलते हैं, और बेकिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल आप बेकिंग और केक बनाने में यूज करते हैं। बहुत से लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक ही चीज समझते हैं, या फिर नाम की वजह से भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही चीजें डिश बनाने में काम में आती हैं और दोनों देखने में भी एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों का ही टेक्सचर अलग होता है। अगर आप बेकिंग सोडा यानी खाना सोडे को छुएंगे तो वो आपको नमक जैसा लगेगा, और आप बेकिंग पाउडर को छुएंगे तो वो आपको मैदे जैसा लगेगा। दोनों के टेक्सचर अलग होते हैं और दोनों का काम करने का तरीका भी अलग होता है। दोनों के स्वाद और दोनों के काम करने में फर्क होता है। आप गलती से भी बेकिंग सोडा की जगह किसी भी डिश में बेकिंग पाउडर ना डालें, और जहां बेकिंग पाउडर यूज करना हो वहां पर बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं यूज करें, क्योंकि दोनों ही अलग तरीके से काम करते हैं और दोनों के काम करने में हमें डिफरेंट तरीके की यानी अलग तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस कि क्या होता है अंतर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खाने को फुलाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दोनों रेसिपी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके छोटे छोटे एयर बबल बनाते हैं, जिससे रेसिपी फूलकर स्पॉन्जी हो जाती है, लेकिन दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग होते हैं और दोनों का ही यूज करने में हमें डिफरेंट तरीके का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ बेकिंग सोडा का, यानी खाना सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी बोलते हैं, सभी के किचन में होता है, और ज्यादातर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अपने कोई भी पकौड़े, खस्ते, समोसे, खमन ढोकला, इस टाइप की चीजों में, जैसे इडली, इनमें इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा हमेशा किसी खट्टी चीज या कोई गीली चीज जो थोड़ी खट्टी होती है उसके साथ जब हम डालते हैं वो तभी रिएक्ट करता है, तभी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है, और एयर बबल बनते हैं, जिससे खाना बहुत ही स्पंजी बनता है। तो आपने देखा होगा जब आप ढोकला बनाते हैं तो हम बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्पंजी हो जाता है, क्योंकि वो एक एयर बबल उसमें डेवलप कर देता है और ढोकला बहुत ही स्पंजी और फूल कर अच्छा बनता है। लेकिन बेकिंग सोडा को एक्टिव होने के लिए हमें किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल करना होगा, जैसे नींबू, दही, छाछ, इस टाइप की कोई भी हम मीडियम लेते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज हम लेते हैं तभी वो वर्क करता है। यानी अगर किसी भी रेसिपी में आप खट्टी चीज या इस टाइप का कोई मीडियम नहीं डाल रहे हैं तो वहाँ बेकिंग सोडा बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो जब भी हम किसी रेसिपी में बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसमें स्पेशली उन रेसिपीज में जिसे हमें तलना हो, उनमें हम ज्यादातर बेकिंग सोडा डालते हैं, क्योंकि उनमें हम कुछ ना कुछ खट्टी चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो दही होता है या नींबू होता है या छाछ, और उसको इस्तेमाल जब भी हम करते हैं बेकिंग सोडा को, तुरंत हमें उस चीज को पकाना या बेक करना होता है, नहीं तो ये चीजें अच्छी तरीके से फूलती नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे क्लीनिंग वीडियो डाले थे जहां मैंने बेकिंग सोडा यानी खाना सोडे का इस्तेमाल किया था, क्योंकि खाना सोडा किचन क्लीनिंग में या हाउस क्लीनिंग में बहुत काम आता है, लेकिन हम खाने सोडे की जगह बेकिंग पाउडर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ बेकिंग पाउडर का। देखने में बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा जैसा लगता है, लेकिन छूने में या आपको कॉर्नफ्लावर या फिर मैदे जैसा लगेगा। बेकिंग पाउडर ज्यादातर हम बेकिंग की चीजों में इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे केक में हम डालते हैं तो केक बहुत ही स्पंजी, फ्लफी और फूल जाती है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस ये होता है, बेकिंग पाउडर को किसी भी एसिडिक मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेकिंग पाउडर में पहले से ही एक एसिडिक मीडियम मिला हुआ होता है, तो वो बिना किसी खट्टी चीज के खुद ही वर्क करता है। तो यानी जो रेसिपी खट्टी नहीं है वहां भी बेकिंग पाउडर का यूज किया जा सकता है। आजकल जो बेकिंग पाउडर मिलता है मार्केट में वो डबल एक्शन होता है। डबल एक्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप उसको यूज करते हैं, पहला एक्शन तब करता है जब वो किसी नमी यानी किसी गीली चीज के कांटेक्ट में आता है, यानी जब आपने केक फेंटा और फिर आपने उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया, एक तो तब ये एक्शन करेगा, दूसरा तब करता है जब ये गर्मी के कांटेक्ट में आता है, जैसे रेसिपी आपने ओवन में रखी तब ये वर्क करेगा, क्योंकि इससे जो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं वो और भी बड़े हो जाते हैं और रेसिपी ज्यादा स्पॉन्जी बनती है, फ्लफी बनती है।
दो तरीके से काम करने की वजह से बेकिंग पाउडर जब हम किसी मिश्रण में मिलाते हैं यानी किसी मिक्स में मिलाते हैं तो आप उसको 15 मिनट बाद भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो चीजों में बेक हम ज्यादा समय तक करते हैं वहां हम बेकिंग पाउडर ही डालते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा में जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालते हैं आप तुरंत ही उस खाने को पकाएं या बेक करें, क्योंकि उसका रिएक्शन उस एसिडिक मीडियम से मिलकर तभी वर्क करता है। अगर आपने बेकिंग सोडा मिलाया और उसको फिर 15-20 मिनट के लिए रख दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर में ऐसा नहीं है, बेकिंग पाउडर मिला करके आप 15 मिनट तक भी उसको रख सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस एसिडिक मीडियम, यानी बेकिंग पाउडर जब आप खरीदते हैं उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, बेकिंग सोडा होता है और उसका अपना एक एसिडिक मीडियम होता है। इसकी वजह से हमें बेकिंग पाउडर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं हमें किसी खट्टी चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब जैसे आप बनाने जा रहे हैं ढोकला और ढोकले में आपने गलती से डाला बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर अगर आपने ढोकले में डाला तो वो बिल्कुल उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ढोकला आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर से ढोकले में ज्यादा हवा भर जाएगी और वो बिल्कुल भी मुलायम नहीं बनेगा। तो ढोकला हल्का और फूला होने की बजाय बहुत ही भारी और घना हो जाएगा। तो ढोकला बनाने में हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर का नहीं। तो जिन चीजों को बनाने में हम नमी यानी पानी की जरूरत होती है वहां हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा की जगह आप बेकिंग पाउडर यूज में ला सकते हैं, पर हमें बेकिंग पाउडर की मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी। पर बेकिंग पाउडर की जगह पर आप बेकिंग सोडा का यूज नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा यानी खाने सोडे का जो स्वाद होता है वो थोड़ा झाग जैसा झार होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर का कोई अपना टेस्ट नहीं होता। बेकिंग सोडा की कोई प्रॉपर शेल्फ लाइफ नहीं होती, उसे आप काफी दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर की 6 मंथ की शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद वह एक्सपायर हो जाता है। और अगर आपको ये टेस्ट करना है कि आपके घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर काम कर रहा है नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। बेकिंग सोडा पहचानने के लिए कि वो काम कर रहा है नहीं, आप एक चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए यानी खाना सोडा, उस पर विनेगर सफेद सिरका डालकर देखिए। अगर जैसे ही बबल उठने लगते हैं इसका मतलब आपका खाना सोडा अभी परफेक्ट है काम करने के लिए। इसी तरीके से बेकिंग पाउडर कैसे पहचाने कि हमारा बेकिंग पाउडर वर्क कर रहा है नहीं, आप लीजिए आधा कप गर्म पानी में 1 चाय की चम्मच आप बेकिंग पाउडर डालिए, और अगर इसमें झाग बनने लगे तो इसका मतलब आपका बेकिंग पाउडर अभी सही है और वो काम कर रहा है। तो ये तरीका होता है दोनों की एक्सपायरी पहचानने का कि ये अभी वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अब अगर आप ये पूछते हैं कि बेकिंग सोडा की जगह हम बेकिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं नहीं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, लगभग 4 गुनी ज्यादा मात्रा में आपको बेकिंग पाउडर लेना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं? आप बेकिंग पाउडर की जगह पर बेकिंग सोडा बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेकिंग सोडा को एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है तभी बेकिंग सोडा काम करता है। और बेकिंग सोडा जब हम किसी भी चीज में मिलाते हैं तुरंत उसे हमें पकाना होता है, क्योंकि उसके बाद उसका रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब जैसे आप अगर केक बना रहे हैं और आपने डाल दिया सिर्फ बेकिंग सोडा तो वो उतना स्पंजी और फ्लफी बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर यूज करते हैं केक में, क्योंकि बेकिंग पाउडर का अपना एक एसिडिक मीडियम होता है, तो वो केक में वर्क करता है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दोनों की ही क्वांटिटी आपको प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बेकिंग पाउडर ज्यादा डाल लिया तो बड़े बड़े एयर बबल होने के कारण वो केक में से बाहर निकलेंगे, उसकी वजह से आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी टेस्ट में और वो पिचक जाएगी। कुछ चीजों में यानी कुछ रेसिपीज में हम दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे केक में जहां हम अंडा नहीं डाल रहे वहां पर हमें दोनों को ही थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं और आपको बता देती हूँ, आपने केक बनाई और आपकी केक सपोज नहीं फूल रही है तो आप चेक कीजिए कि आपका बेकिंग पाउडर एक्सपायर तो नहीं हो गया है, वो वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर जब आपने उसको मिलाया है बेस में तो वो ठीक से प्रॉपर अमाउंट में सारे में मिला है या नहीं। और दोनों ही चीज का सही मात्रा में पड़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी खाने को प्रॉपर तरीके से फ्लफी स्पंजी फुलाने के लिए और अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए। और एक और जरूरी बात, बेकिंग पाउडर को सूखी जगह पर और ठंडी जगह पर स्टोर करें। तो मुझे उम्मीद है आपको अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का अंतर समझ में आ गया होगा और आप उसी तरीके से और उसी हिसाब से फॉलो करें और आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर खरीदते हैं एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ लें
तब आप उसको परचेज करें और सही तरीके से स्टोर करें और सही रेसिपी में सही चीज का इस्तेमाल करें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।